नरकटियागंज के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान स्कूलों में निबंध व भाषण प्रतियोगिता के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्राथमिक विद्यालय बेलबनिया में संविधान दिवस पर अपने संविधान को जाने विषय पर चर्चा की गई। संविधान पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर को याद कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। आज संविधान का हम 73वां दिवस मना रहे हैं। देश के आज़ादी के समय जब संविधान लिखा जाना था उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। इस देश में इतने सारे धर्म थे, इतने सारे जातियाँ थी, भाषाएँ थी, कल्चर थी, संस्कृति थी, विविधता थी। उस समय इस संविधान को लिखना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने प्रयासों से विश्व के सारे संविधानों को पढ़ डाला और जो जो चीज़ अच्छी मिली उनको सारे चीज़ों को संविधान में डाला गया और इतना शानदार संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया, जितना भी इसकी सराहना की जाए कम। संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात बोली थी कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो वो अंततः बुरा साबित होगा जब उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो वो अंततः अच्छा हो साबित होगा जब उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। मैं आज संविधान दिवस के अवसर पर इस मन से हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है और संविधान को समझना बहुत जरूरी बात है। केवल पढ़ाई से ही संविधान को नहीं समझा जाएगा, किताबें पढ़ाकर नहीं समझा जाएगा, बल्कि संविधान को महसूस करने की जरूरत है। इसके लिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि रिसर्च को बढ़ावा दें, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की स्थापना करें और रिसर्च और शोध को बढ़ावा दें। जिस प्रकार सरकारी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में आर्ट साइंस कॉमर्स की शिक्षा चल रही है उसके साथ एजुकेशन को भी जोड़ा जाए और एजुकेशन के जुड़ जाने से जो है एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण टीचर की जो कमी है वो दूर होगी। इसलिए ये मैं चाह रहा हूँ कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च का होना जरूरी है, वो भी एजुकेशन में, शिक्षा शाखा में। रिसर्च जब तक रिसर्च